नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक एज अ मैन थिंक इट की, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। दोस्तों, क्या आप कभी दुखी हुए हो? उस समय आप क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे सोचना बंद करिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ऐसे सोचने से आप और दुखी हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस किताब के अकॉर्डिंग आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। इसलिए दुखी होने पर सोचे कि मैं जल्द ही इस मुश्किल से उबर जाऊंगा। आज तक भी तो प्रॉब्लम्स को झेला है। मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मैं जिंदगी से खुश और संतुष्ट हूँ। यही इस किताब का मेन थीम है। आइए अब सभी चैप्टर्स की समरी को सुनते हैं। चैप्टर 1, थॉट्स एंड कैरेक्टर। दोस्तों, आप अपने आसपास के कुछ लोगों के बारे में सोचिए। उनके कैरेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, या इसके विपरीत चापलूस, दिखावे वाले, महिलाओं पर गंदी नजर डालने वाले? आप देखेंगे कि आपके आसपास हर तरह के लोग मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज हमारा चरित्र निर्माण करती है? तो वह चीज है आपके थॉट्स। दिन भर आप क्या सोचते हैं, इसी से आपका कैरेक्टर बनता है। अगर आप बुरी संगत करते हैं तो वहां से आपको बुरे विचार ही मिलेंगे। कोई आदमी अश्लील वीडियोस देखता है तो आगे चलकर वह रेपिस्ट बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को बचपन से ही अच्छे विचार रखने चाहिए। अगर आपके आसपास का माहौल खराब है तो अच्छी मोटिवेशन वाली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, या फिर जैसी आप अभी ऑडियो बुक सुन रहे हैं वैसी किसी अच्छी ऑडियो बुक को सुनिए। कैरेक्टर से ही आदमी को सफलता मिलती है। बिना कैरेक्टर के लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और देर सवेर उन्हें अपने कुकर्मों की सजा मिलती है। वे जेल में सड़ते हैं और पछतावा करते हैं, जबकि दूसरे लोग आजाद पक्षी की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए कभी भी बुरा काम करने से बचें, गलत विचार कभी भी मन में ना लाएं। चैप्टर 2, थॉट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हमारी आज जो सिचुएशन है उसका कारण हमारे पास्ट के थॉट्स ही होते हैं। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसका कारण है उसके सोचने कि अभी थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ आदि। अगर वही बच्चा ये सोचता है कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ूंगा तो कम से कम पास तो हो ही जाऊंगा। ऑफिस में आपकी लड़ाई का कारण है आपके थॉट्स। आपने मन में लड़ाई के विचार सोचे होंगे, माफ करने या भूल जाने के नहीं, ना ही बड़े लक्ष्य के। अगर आपका ब्लॉग सफल नहीं हुआ तो इसका कारण भी आपके थॉट्स हैं। आपने पैसे के लिए ब्लॉग शुरू किया, जबकि आपको सोचना चाहिए था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है और 2 साल तक मैं पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा। इसी तरह हर सर्कमस्टेंस में जिम्मेदार आपके थॉट्स ही होते हैं, और कई बार तो हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। जैसे माली हमेशा बगीचे की देखभाल करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार आदि को खाड़ फेंकता है, उसी तरह आपको अपने दिमाग रूपी बगीचे के साथ करना है। आपको नेगेटिव विचारों को खाड़ फेंकना है और पॉजिटिव विचारों को गुलाब और गेंद ही उगाने हैं, तभी आपका बगीचा महकता रहेगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। चैप्टर 3, थॉट्स अफेक्ट हेल्थ एंड बॉडी। दोस्तों, कभी ना कभी आपका किसी से झगड़ा जरूर हुआ होगा। इसके बाद आप कैसा फील करते हैं? घर जाकर क्या आप उस बारे में नहीं सोचते? अक्सर हम उस झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा खून खोल जाता है। कई बार हम बदला लेने की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन इस सब से क्या होगा? क्या दूसरे आदमी को नुकसान होता है? नहीं, बल्कि आपको नुकसान होता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की बीमारियां लग सकती हैं। ज्यादा सोचने और चिंता करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी बुरी बातों को थॉट्स में दिमाग में ना ला पाएं। पास्ट को पास्ट में ही दफन कर दें। दूसरों को माफ करना सीखें। इससे आप छोटे नहीं होते बल्कि बड़े हो जाते हैं। ऋषि मुनि या भगवान भी हमेशा दूसरों को माफ ही करते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि बुरे विचारों से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। चैप्टर 4, थॉट्स एंड पर्पस एज अ मैन थिंक इट। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग जहां पैदा होते हैं और जिन हालातों में पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। जिंदगी जीने का इससे बोरिंग तरीका क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं बनाते और ना ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल जिंदगी जीने के लिए कोई पर्पस जरूर बनाए, फिर उन पर्पस को हासिल करने में लग जाए। इससे आपका दिमाग झगड़ा करने वाले लोगों से हटकर आपके पर्पस में लग जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। पर्पस शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी। जैसे आज आपको हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो ये शॉर्ट टर्म का पर्पस होगा।
ऐसा ही लॉन्ग टर्म पर्पस हो सकता है ब्लॉग लगाना, बिजनेस या कंपनी शुरू करना, कोई जॉब हासिल करना, यूपीएससी एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, अमीर बनना आदि। इन सब में आपको लंबा समय लग सकता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म पर्पस होते हैं। खैर, आपका जो भी पर्पस है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें और हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहें। धीरे ही चलें लेकिन चलते रहें। ऐसा नहीं कि शुरू में तो दौड़ लगा दी फिर थक गए और बैठ गए। दूसरा, आपके पर्पस ऐसे हो जो आपके हार्ट, बॉडी और माइंड को फायदा पहुंचाए। जैसे बॉडी के लिए हर दिन एक्सरसाइज करने का पर्पस बनाएं ताकि आगे चलकर भी आपको कोई रोग ना हो और आप हमेशा फिट बने रहें। माइंड के लिए योग या मेडिटेशन का पर्पस बना सकते हैं। आपका कोई भी पर्पस लालच से जुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे ब्लॉगिंग करनी है तो आपको गोल आपकी लेखन से दूसरी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ना कि पैसा कमाने में। क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो पैसा अपने आप ही चलने आएगा आपके पास। ऐसे ही कंपनी लगानी है तो देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए लग जाए। अमीर बनना है तो चैरिटी की सोचें, और इस तरह अगर दूसरों की भलाई का सोचेंगे तो आपका पर्पस सफल होता रहेगा खुद ब खुद। चैप्टर 5, थॉट्स एंड अचीवमेंट। आपके अचीवमेंट्स में आपकी सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने सोच लिया है कि किसी काम में सफल होंगे तो सच में हो जाएंगे, और अगर ये सोच लिया है कि सफल नहीं होंगे तो सच में सफल नहीं होंगे। सिकंदर ने सोचा था कि वह दुनिया पर विजय हासिल करेगा, तभी वह ऐसा कर पाया। अगर वह सोचता कि यह तो असंभव काम है तो क्या वो ऐसा कर पाता? नहीं। इतिहास जैसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहाँ इंसान ने अपनी सोच से नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। स्टीव जॉब्स ने गरीब होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी बना ली। न्यूटन पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद भी इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। आइंस्टीन ने बिना एक्सपेरिमेंट किए ही सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट करके इतने बड़े बड़े लॉस दिए थे जिनने सारी ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाया। इसलिए दोस्तों, आप भी इन पर्पस को बनाएं और उसे अचीव करने के लिए तरीकों के बारे में सोचिए। अपना समय दूसरे के झगड़े में ना लगाएं, टीवी में ना लगाएं, सीरियल्स में ना लगाएं, सोशल मीडिया में ना लगाएं, बल्कि अपने गोल्स में लगाएं। कोई स्किल सीखिए या फिर सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। अपनी थिंकिंग को आज ही बदलिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से बदल जाती है। चैप्टर 6, विजन एंड आइडियल्स। हर व्यक्ति का जीवन में कोई विजन होता है और कुछ आदर्श भी। बिना ड्रीम्स की जिंदगी बेकार है। कुछ लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि दिन में दिहाड़ी करेंगे और शाम को दारू पियेंगे। इस तरह की मानसिकता वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते और हमेशा गरीब बने रहते हैं। सरकार के भ्रष्ट नेता इनका पूरा फायदा उठाते हैं। मिडिल क्लास की जेब से टैक्स लेकर इनके लिए फंड्स बनाते हैं, फिर ज्यादातर खुद खा जाते हैं और थोड़ा सा इन्हें देते हैं। इसी से पता चलता है कि लाइफ में विजन होना कितना जरूरी है। अगर कोई गरीब इंसान यह सपना देखे कि वह एक दिन अमीर बनेगा तो वह इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर करेगा। वह दूसरों से हेल्प लेकर भी कुछ सीखेगा और एक दिन अमीर बनेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसा करके दिखाया गया है। जैसे धीरूभाई अंबानी पहले एक मामूली क्लर्क थे और आगे चलकर बेहद अमीर व्यक्ति बन गए थे। विजन हर एरिया में काम आता है, फिर चाहे वो नेता हो या अभिनेता। कोई नेता अपने विजन से देश को आगे ले जा सकता है। जैसे अमेरिका के पॉलिटिशियन, वहां के हर प्रेसिडेंट ने अपने देश के लिए कुछ अलग हटकर किया, इसलिए अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 बन सका। आज की डेट में हमारे आसपास बहुत से विजनरीज मौजूद हैं जिनसे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई आदि का नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने विजन के दम पर ही ये मुकाम हासिल किया। इसलिए दोस्तों, आप भी ड्रीम्स देखिए और अपने विजन बनाइए, फिर उन्हें हासिल करने के लिए जुट जाइए। कभी ना कभी आपके सपने जरूर पूरे होंगे। चैप्टर 7, सेरेनिटी। लाइफ में सबसे जरूरी चीज होती है मन की शांति। बहुत से लोग आज इसे ढूंढ रहे हैं। लोगों की डिजायर बहुत बढ़ चुकी है। वे धन, दौलत, गाड़ी, बंगले आदि के लालच में दिन रात भाग रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में पैसे के लालच से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनसे उन्हें हमेशा बेचैनी होती रहती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। स्टूडेंट्स को डर है कि एग्जाम में पास होंगे या नहीं। कुछ को डर है अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को डर है कि उनका बिजनेस चल पाएगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है तो उसमें चिंता और डर चलते रहते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें और कभी भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन ना होने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि डिजायर्स ना पालें। गोल होना एक बात है, लेकिन डिजायर का गुलाम बना अलग। ऐसे डिजायर जो लालच की वजह पैदा करते हैं वो हार्मफुल हैं।
इसलिए राजा होते हुए भी आपको सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। अगर आपकी धन दौलत चली भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप भौतिक वस्तुओं से मोह माया नहीं सीखेंगे। इससे आप जीवन में हमेशा शांति और सुकून से रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इस ऑडियो बुक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको इसमें कुछ कमी महसूस हुई तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए।